हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो कॉस्ट सेंटर को लेकर के बना रहा हूँ, यानी टैली प्राइम के अंतर्गत आखिरकार कॉस्ट सेंटर का। तो जब आप टैली प्राइम को ओपन करते हैं तो ये कंपनी यहाँ पे बनी हुई है और इसमें कई लेजर्स पहले से बने हुए हैं। इन कॉस्ट सेंटर का क्या मतलब है, पहले क्या करना है, हमें यहाँ से F11 की प्रेस करनी है। जैसे ही F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आता है इनेबल कॉस्ट सेंटर, तो इस ऑप्शन को हमें इनेबल करना है यानी यस करना है। तो इसको यस करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये यस हो जाएगा और यस करके एंटर कर दीजिएगा। और एंटर करते हुए इधर आ जाइए, नीचे आ जाइए, एंटर करिए। यहाँ पर GST लगाना है या नहीं, तो फिलहाल GST नो रखते हैं और TCS TDS इन सब की भी अभी कोई जरूरत नहीं और पेरोल की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो कॉस्ट सेंटर का फायदा क्या हुआ, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास हमें पेरोल आता नहीं है और हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है तो उसकी एंट्री हमें दे दी जाती है करने के लिए। तो ये एंट्री हम कैसे करेंगे, समस्या यहाँ पर खड़ी होती है कि हमें पेरोल नहीं आता है। हालांकि पेरोल तो बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी पेरोल अगर ना आए तो उसकी जगह पर आप कॉस्ट सेंटर का यूज कर सकते हैं। अब ये कॉस्ट सेंटर कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर मैं V बटन प्रेस करता हूँ, V बटन प्रेस करते ही हम वाउचर में चले जाएंगे और हम आ चुके हैं किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर में। यहाँ पर आपको पेमेंट दिखाई दे रहा होगा, इसकी शॉर्टकट की F5 होती है। और यहाँ पर जिस डेट पर सैलरी प्रोवाइड करनी है वो डेट दे देते हैं, जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं 1/9/2023, ठीक है, जो भी डेट है वो यहाँ पे दे दीजिए, इसी डेट में हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे डेबिट का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेबिट का ऑप्शन मिल रहा है, हमें इसे सिंगल एंट्री मोड में ले लेना है, ठीक है। सिंगल एंट्री मोड में थोड़ा यहाँ काम करना ज्यादा इजी होगा, तो सिंगल एंट्री मोड में लेने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ कीबोर्ड से F12 की प्रेस करनी है, ठीक है। और ये डेबिट क्रेडिट ऑप्शन को नो कर देना है और यहाँ पर कंट्रोल ले करिए। अब यहाँ पर बाय आने लगा, लेकिन हमें ये बाय वाला ऑप्शन भी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर सिंगल एंट्री चाहिए। तो यहाँ देखिए ये सिंगल एंट्री आ रही है, इस पर जाके एंटर कर दीजिए। अब ये सिंगल एंट्री मोड हो गया। अब हमको सैलरी प्रोवाइड करनी है, क्या प्रोवाइड करना है, सैलरी, ठीक है। तो सैलरी प्रोवाइड करनी है तो यहाँ हम कैश में सैलरी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कैश। और यहाँ पर हमने कॉस्ट सेंटर ऑप्शन चालू किया है, लेकिन इसका मतलब तो तब समझ में आएगा। यहाँ पर पहले हम एक सैलरी का लेजर बनाते हैं, सैलरी, अच्छा सैलरी हम देंगे तो सैलरी क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसे डाल देते हैं और यहाँ पर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराते हैं। तो सैलरी हम कुल मिला के कितना बांट रहे हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पर 1,00,000 रुपए सैलरी बांट रहे हैं सब मिला जुला के, ठीक है। यहाँ पर हमने मैनेजमेंट बना रखा है, सेल्स बना रखा है, तो मान लीजिए ये सेल्स से बिलोंग करते हैं और इनका नाम क्या है, राजू है, तो यहाँ राजू दे दिया। लेकिन राजू को 1,00,000 रुपए सैलरी तो मिलेगी नहीं, इनकी सैलरी है मान लीजिए 8,000 रुपए, तो यहाँ पे आप 8,000 डाल दीजिए। अब नीचे आइए, अब दूसरे जो एम्प्लॉई है उनका नाम है गौरव, तो यहाँ पे गौरव कर देते हैं। और गौरव का जो जो यहाँ पे ये है, एंटर करेंगे यहाँ पे आएंगे तो इनकी सैलरी 92,000 तो होगी नहीं, इनकी सैलरी है मान लीजिए 10,000 रुपए, तो यहाँ 10,000 डाल देंगे और 10,000 डाल के आगे आएंगे। फिर यहाँ पर एक और एम्प्लॉई है जिनका नाम है हिना, और ये भी एम्प्लॉई ही है और इनकी सैलरी 82,000 रुपए तो है नहीं, तो यहाँ पर इनकी भी सैलरी है 10,000, तो यहाँ 10,000 डाल करके आगे बढ़ जाइए। इसी तरीके से एक और एम्प्लॉई है जिनका नाम है नाजिया, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे नेम, अल्ट सी करके बनाएंगे, अल्ट सी करके यहाँ पे लिख देंगे NAZIYA, तो ये हो गया। अब एंटर करके आएंगे और इनकी भी सैलरी यहाँ पर मान लीजिए 13,000 रुपए है, तो यहाँ 13,000 दे देंगे और 13,000 दे करके और एंटर कर देंगे। यहाँ पर एक है सौरभ, तो ये सौरभ की सैलरी थोड़ी ज्यादा है, तो यहाँ पे सौरभ लिख दिया है और एंटर करके आएंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर इनकी सैलरी है 30,000 रुपए, तो यहाँ 30,000 डाल देंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं अगले एम्प्लॉय का नाम, तो अगले एम्प्लॉय का नाम है मोनू, तो यहाँ मोनू दे दिया, एंटर करेंगे और इनकी सैलरी जो है 12,000 रुपए है, तो यहाँ पे 12,000 डाल देंगे। तो जो जैसा है ये एडजस्टमेंट होता जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये एडजस्टमेंट होता जाएगा। अगला जो एम्प्लॉय है उनका नाम है वर्तिका, तो ये वर्तिका डाल दिया, एंटर किया और यहाँ पर अब इनकी सैलरी है 13,000 रुपए, ठीक है। और एक हमारे यहाँ प्यून है और उनकी भी यहाँ पे दे देते हैं, जैसे के नाम दे देते हैं, कुछ भी ऐसे यहाँ पे लिख दिया के, ठीक है, एंटर किया तो इनकी सैलरी 4,000 रुपए है। तो अब ये पूरा एडजस्ट हो गया और ये सैलरी कैश में प्रोवाइड करी जा रही है, अगर आप चाहे तो बैंक भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन में डाल दीजिए सैलरी SALARY गिवेन टू एम्प्लॉयज,
ठीक है, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। एक्सेप्ट कराने के बाद अब आप जब इसका प्रिंट आउट देखेंगे तो यहाँ पे दो बार डी प्रेस करते हैं, ये हमारा है, और यहाँ पे अल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है। इसमें नाम वगैरह नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग करने की जरूरत है। क्या करेंगे सेटिंग, यहाँ पे देखिए ये जो है ना कॉन्फिगर पे जाएंगे और इसमें आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी है। इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे देखिए नरेशन तो चाहिए नहीं, शो कॉस्ट सेंटर डिटेल, तो इसको यस कर दीजिएगा, कॉस्ट सेंटर की पूरी डिटेल आपको शो हो जाएगी। और अब जब प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पर जितने लोगों का नाम है वो भी शो होगा साथ में। देखिए सैलरी के साथ साथ नेम भी इनका शो हो रहा है, जिनको जिनको सैलरी प्रोवाइड करी जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉस्ट सेंटर समझ में आया होगा कि आखिरकार कॉस्ट सेंटर का क्या यूज है। ठीक है, आप इस तरीके से कॉस्ट सेंटर को यूज में ला सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।